हेलो भैया, ऑटो खाली है क्या? ऑटो खराब है मैडम। हेलो, कौन है ये लड़की? सवारी है मैडम। क्या हुआ इसको, ऐसे क्यों बैठी है? शायद इनकी तबीयत कुछ खराब है। हेलो, एक्सक्यूज मी, आर यू ऑल राइट? हेलो,
What is this? 3 months medical leave चाहिए sir. JK, commissioner just called me. He said it's a sensational case. किसी और को दे दीजिए sir. Alex सविता केस में है. पुगल मेहंदी लीव पर है. एक तुम ही फ्री हो JK. मुझे काम है sir. केस 56 क्लोज करके 2-3 महीने हो चुके हैं. मैं ओपन करने वाला हूं. JK कमिश्नर आस्क फॉर द राइट मैन. मैं वो नहीं हूं सर. यू आर द बेस्ट इन माई टीम. मुझे जाना है सर. लॉ एंड ऑर्डर वाले केस में CBCID पूछताछ नहीं कर सकती. होगा सर. यह क्या है? रेजिग्नेशन. ओके, आई विल गिव यू डील. तुम इस केस को अटेंड करो. मैं कमिश्नर से बात करके तुम्हारी बहन के केस की पूछताछ की परमिशन लाकर देता हूं. टेक माय वर्ड्स प्लीज JK. ही इज मिस्टर JK, योर ऑफिसर. फॉलो हिम क्लोजली. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सर प्रकाश. बॉडी कहां है? स्टैनली में. आदमी है कि औरत? एक कार्टन बॉक्स में 2 कटे हुए हाथ हैं. और हां JK, ये इन दोनों की प्रोफाइल्स हैं. शिवदास, शिवदास, कृष्णमूर्ति. दैट्स नॉट माय नेम. परफेक्ट नेम, सूट्स यू. नए हो क्या? मैं 2 साल से SI थी. मैं भी लाशों के साथ 28 सालों से हूं. JK 9 साल से. शिवदास सर के ऑफिस में CBCID के कुछ ट्रांसफर्स किए गए. ट्रांसफर कर दिए हैं. शो दैट शिवदास. किसकी बॉडी है? समानता, सुसाइड बाय हैंगिंग. पड़ोसी ने शक करके पुलिस कंप्लेंट की थी. ऑटोप्सी में आई है. मर्डर है क्या? सुसाइड, बट रेप बिफोर दैट. इस लड़की के माँ बाप मेरे पैर पकड़कर रोते हैं. रेप नहीं हुआ ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए. आप कैसा सर्टिफिकेट देने वाले हैं? JK. Hold it.
दिस बिलोंग्स टू ए मेल। डिकम्पोजिशन रेट के हिसाब से देखा जाए तो 48 आवर्स से पहले कटा होना चाहिए। बोन इफ्लिक्शन के हिसाब से उम्र 28 से 36 के बीच होनी चाहिए। काटने के लिए यूज किया हुआ हथियार? हड्डियों का तो कचूमर बन गया था। 100% इलेक्ट्रिक शॉक। ये चोट कैसी है? हाथ बंधा हुआ था। वो हड्डी के कचूमर के साथ थोड़ा लड़के का भी कचूमर था। जिसकी भी ये बॉडी है उसके जिंदा रहते ही उसे काटा गया था। और नाखून के अंदर लड़की का भी मांस था। इसके सिर्फ हाथ कटे हुए हैं, तो क्या हो सकता है कि ये जिंदा हो? That he has to find. The observer is observed. जय कृष्णमूर्ति। आओ आओ। यही है क्या? नहीं सर। जाओ, तुम आओ। यही है क्या? नहीं सर। जाओ। ए तुम, यही है क्या? यही है क्या? नहीं सर। जाओ। सर, जो लड़की मरी थी उसके सर्टिफिकेट पर आपने क्या लिखा? रेप नहीं है लिख दिया। लेकिन वो रेप था ना? उसकी उम्र की एक मेरी बेटी थी। ही मतलब मर गई। अरे अरे, अरे भगवान, चंद्रा चली गई। बात करो, रो मत। तेरे पति का नाम क्या था? मनोज। क्या ये हाथ तेरे पति का है? हाँ, ये मेरे पति का ही हाथ है साहब। वो ये कड़ा हमेशा अपने हाथ में पहना करते थे। मैं अपने पति का हाथ कैसे भूल सकती हूँ साहब? आखिरी बार कब देखा था अपने पति को? सवारी के लिए गए थे साहब, वापस ही नहीं लौटे। कब गए थे? 3 दिन पहले गए थे साहब, वापस ही नहीं आए। पुलिस में भी मैंने कंप्लेन किया है साहब। तेरे पति के ऑटो का नंबर 3233 है क्या? पता नहीं साहब। सीट के पास तेंदुलकर का फोटो चिपका है ना? हाँ साहब। गांधीनगर कॉलोनी में ये ऑटो खड़ा था सर। ऑटो के बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दिया? नाइट ग्राउंड में जाने वाला हवलदार मैडम। ऑटो का बेस किस तरफ था? टू वर्ड की तरफ सर। बाद ऐसा काम करने के लिए मत बोलना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसमें सब रिकॉर्ड है ना? फरवरी महीने से लेकर आज तक के सारे रिपोर्ट्स हैं इसमें।
सुनो, रास्ते में कहीं बाहर दिखे तो दारू पिलाओगे ना यार? कवर में पैसे रखे हुए हैं, जाके पी लेना। ओके नहीं है ये, कुछ देखा था तो मुंह बंद करके रहना चाहिए था ना। परेशान कर दिया है। मैडम, ऑटो में क्या देखा था आपने? मुझे परेशान कर रहे हैं सर, मैंने कहा ना मैंने किसी को नहीं देखा, वहाँ एक ऑटो खड़ा था, बस उतना ही जानती हूँ सर। नहीं, ऑटो के पीछे कोई बैठकर काम कर रहा था, ये आपने पुलिस को बताया? मैंने तो पुलिस स्टेशन में सब बता दिया था ना सर। इस लड़की को आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। कौन है तेरी, लवर है क्या? ए दामोदर, ये इनकी बहन है रे। प्लीज मुझे बताइए, 6 सितंबर को ये लड़की सवारी के लिए आई थी क्या? ए मामू, तेरी बीवी उसी दिन रवि के साथ भाग गई थी ना? जी, मुंह बंद कर। प्लीज जरा सोच के बताइए, उस दिन नाइट में मेरी बहन आपके स्टैंड पे सवारी के लिए आई थी? चाय लेके आओ। उस दिन हमें कोई सवारी नहीं मिली थी, हम लोग जल्दी घर चले गए थे। उस दिन रात 8:20 को आप ही आखिरी सवारी ले गए थे ना? हाँ, गया था। आपने कहा था कि आपने ऑटो को भी देखा? हाँ, देखा था। उसमें वो लड़की थी क्या? सर, उस रात में बहुत बारिश हो रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सर। अच्छे से सोचकर बताइए ना। सर, सोचना आता नहीं, इसीलिए तो मैं ऑटो चला रहा हूँ, आप कहीं और जाइए ना सर। यहाँ पे सुरेंद्र कौन है? ए, कौन है रे तू, मेरा नाम लिख बुला रहा है? पुलिस। कौन से स्टेशन से? CBCID। वो क्या होता है ये बेबी भी क्या? ए, कुछ दिन पहले तेरे साथ काम करता था ना मूर्ति, उसका और तेरे बीच में क्या लफड़ा है? क्यों, क्या मैटर है? उसका मर्डर हो गया है। ओ, ऐसा है। वो इधर ही काम करता था, तेरा और मूर्ति का लफड़ा क्या है? बहुत ज्यादा सवाल कर रहा था, कान के नीचे दे दिया एक। हेलो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, जो भी है साफ साफ बताओ। ये देख तोती। ए सुरेंद्र। ए मेंढक, चाय दे रे। ए सन, CBCID CID मुझको मत सिखा तू, समझा? इस एरिया का पुलिस वाला एक भी मेरे शर्ट के अंदर नहीं आया, पता है ना? चल जाके दूसरे से पूछ। बड़ा आया, जा ना। सुरेंद्र। कौन है बे? बोल, तेरा और मूर्ति का क्या लफड़ा है? बीवी का गहना देकर मारवाड़ी की दुकान से 10,000 रुपए लेने के लिए बोला तो 15,000 रुपए ले लिया। मैंने कहा झोल कर रहा है तो कहानी सुनाने लगा, लड़कों से पिटवा दिया सर। मूर्ति ने बदले में क्या कहा? उसने कहा राज माफिया को बुलाकर सॉल्व कर दूंगा, इसके बाद नजर आया तो पोस्टमार्टम हाउस भेज दूंगा, फिर चला गया। कौन है ये राज माफिया? ऑल टोटा पार्टी सर। क्या? ऑल टोटा पार्टी सर। आपका बेटा कहाँ काम करता था? कुरियर ऑफिस में काम करता था मैडम, लेकिन कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए घर में बैठा था। आपके बेटे का फोन नंबर क्या है माँ जी? वो देखो साहब, उस कैलेंडर में लिखा है। इस टीवी को कब खरीदा? पिछले ही महीने मेरा बेटा ही लाया था साहब। आपने पूछा नहीं इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से है? पूछा था पर उसने कुछ ठीक से बताया ही नहीं, बोला कि जुए में जीता है। आपके बेटे के पास कोई सवारी है? हाँ है, मोटरसाइकिल। सर रिंग हो रही है सर। ठीक है, कट कर। प्रकाश सर, सुरेंद्र ने जिस मारवाड़ी का बताया था पता। ठीक है सर। किरण सर, मूर्ति के घर में फिर से पूछताछ करनी होगी, सारा घर चेक करो, देखो टीवी के अलावा कुछ और खरीदा है कि नहीं। देख लेंगे सर। विक्टिम के हाथ को ही आइडेंटिफाई कर पाए, विक्टिम कौन है यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए।
अच्छा सुनो सर, पूछो कि मूर्ति का फ्रेंड कोई गायब हुआ है कि नहीं। पूछता हूँ सर। किरण, मुझे नहीं लगता ये केस जल्दी खत्म होने वाला है। सर, मुझे गुंडे लोगों का लफड़ा लग रहा है सर। हम लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने हाथ काट के रोड पे फेंक दिया, फिर भी हम लोग केस को सॉल्व कर लेंगे सर। नहीं किरण, गुंडे इलेक्ट्रिक सॉ से नहीं काटते, प्लस रोड पे नहीं डालते। या तो वो पब्लिक पार्क में डालते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जगह पर डालते हैं, या फिर जहां भीड़ होती है वहां डालते हैं। ठीक है सर, लेकिन उनका मोटिव क्या होगा? समझ नहीं आ रहा, यही तो पहेली है। गाड़ी रोको। समय उन लोगों की टैक्सी टकरा गई और स्पॉट पर ही उनकी डेथ हो गई। इधर आई माँ जी। क्या हुआ, अब मैं क्या करूं? हाय मेरा बच्चा, अरे मेरा
बच्चा, ये क्या हो गया, मैं क्या करूं? हाय भगवान, ये कौन सा दिन दिखा रहे हो? अब मैं कहां जाऊं भगवान, मेरा बच्चा? अब मैं कैसे जीऊंगी? हाय मेरा बच्चा। सर, आपको क्या लगता है ये हाथ किसका हो सकता है? देखिए, हमने दोनों विक्टिम्स का रिकॉर्ड आइडेंटिफाई किया है। पुलिस किसी को भी क्लीन स्लेट नहीं दे रही। सो वी ऑल बिलीव दिस इज डन बाय सम एंटी सोशल एलिमेंट। सर, इस इंसिडेंट का मोटिव क्या हो सकता है, आप बताएंगे? ये बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है। हाथों को काट के पब्लिक प्लेस में डिस्प्ले किया है। इट्स ऑल वेरी प्री प्लान्ड एक्शन। हाथों को सर पब्लिक प्लेस में क्यों रखा गया? वी हैव येट टू अराइव ऑन एनी क्लियर पिक्चर ऑन दैट। सर, अभी तक सिर्फ हाथ मिला है, उन लोगों के जिंदा होने की क्या उम्मीद है? जिंदा होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। Will this continue? I beg your pardon? क्या ये घटना जारी रहेगी? That's all for today. We have a lot of work to do. Please, thank you. सर, पुलिस ने बताया लेडीज हॉस्टल सीरियल किलर केस में बहुत सारे एविडेंस आपने ढूंढ निकाले थे। सो ये केस आप सॉल्व कर लेंगे क्या सर? मिस्टर जेके, गायब हुई आपकी बहन जिंदा है, आपको क्या लग रहा है? ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? चलिए पीछे चलिए। आप जो बोल रहे हैं वो सही है? हाँ सर। ऑन द बिग स्ट्रीट? यस सर। उसी एरिया में? यस सर। आर यू श्योर अबाउट दैट? सर, लिसन चंद्रमौली, राज माफिया की बाइक ट्रिप्लिकेट मेंशन में खड़ी है। वहां के एरिया कांस्टेबल्स ने उसे देखा है। ही इज स्टिल देयर। क्या यह खबर सही है सर? यस सर। व्हाट शैल वी डू नाउ? सर, उस बाइक को कैसे पहचाना? कमिश्नर ऑफिस से हमारे स्टेशन में फोन आया था सर। स्पोर्ट बाइक थी, इसीलिए आसानी से पहचान लिया सर। सर्वेश, इस फोटो में जो आदमी है उसे पहचानते हो क्या? हाँ, देखा है सर। हफ्ते हफ्ते में हमारे रूम में आते हैं। कल रात को भी आए थे और मैं ही दारू खरीद के लाया था सर। कौन सा रूम? सर, 312 सर। सर को ले जाकर 312 नंबर का रूम दिखाओ। चलिए सर।
मरने वाले का एड्रेस है क्या? है सर, गुड्डू कोटे के पास एक छोटा सा गांव है सर। उसके साथ कोई और रहता था क्या? 3 महीने पहले सर एक फ्रेंड के साथ उसने रूम को शेयर किया था। वो अच्छा ऐसा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम जान ब्रिटो है सर। वो कहाँ काम करता है पता है? ये तो पता नहीं सर, लेकिन वो 1.5 महीने से यहाँ आ भी नहीं रहा है। सर पिछले 6 महीनों में जो लोग गायब हुए हैं उस लिस्ट में जॉन ब्रिटो नाम का भी एक आदमी है जो 8 नवंबर को गायब हुआ था। पिछली अगस्त वो घर छोड़ के चला गया था और रघु के साथ मेंशन में रह रहा था। आपके छोटे भाई और रघु की दोस्ती कैसे हुई? वो दोनों चेट्टीनाड क्वार्टरिंग में डिप्लोमा साथ में कर रहे थे। आखिरी बार अपने छोटे भाई को कब देखा? 5 नवंबर को फोन आया था तो उसने इससे पैसे मांगे थे और 10 तारीख को पूछा कि ब्रिटो कहाँ है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। 8 तारीख को अभिरामी थिएटर में नाइट शो देखने गया था, वापस नहीं लौटा। 12 तारीख को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी, लेकिन मेरा छोटा भाई ब्रिटो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। वो आपका घर छोड़कर मेंशन में क्यों रहने गया? वो खुद नहीं गया, मैंने ही निकाला उसे। वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता था। सर उठा के जीने वाले आदमी का सर झुका दिया उसने। किसका? डॉक्टर पुरुषोत्तम। क्या नाम बताया, एक बार और बताइए। जीएच हॉस्पिटल में डॉक्टर थे पुरुषोत्तम। सर सितंबर महीने में वो पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिए थे। सॉरी, नो कमेंट्स। मैंने सब कुछ पुलिस को बता दिया। प्लीज सर, प्लीज। डॉक्टर पुरुषोत्तम के टेबल के ड्रॉवर में 60,000 रुपया कैश और उनकी बीबी अनुपूर्णा के नाम से एक डीडी हमें मिला। He is a leading heart surgeon of our country. वो रिश्वत लेते थे ऐसा पुलिस ने प्रूव किया है और हमें इसके बारे में। I don't have any comment on that, but it is true. पुरुषोत्तम is my friend. वो कितना honest है मुझे पता है। What the hell is going on? Problem क्या है? क्या चल रहा है? Sir. Sir. What's happening, चंद्रमौली? Please sir, please have a seat. Can I have a smoke? Sure sir. This is such a shame for law enforcement. They have given this case to CBCID. This is so bloody sensitive and sensational. इसलिए ये केस तुम्हें दिया था। We know, sir. CM फोन पे फोन करके परेशान करें। I need your help, guys. We are with you, sir. We'll solve it, sir. Hey, now tell me, what is the lead? जो मर्डर हुआ उसमें राज माफिया रघु का क्या संबंध है? Not really clear, sir. लेकिन राज माफिया के बारे में रघु को पता चल गया था सर। वो पुलिस को ना बता दे इसीलिए रघु का मर्डर किया है सर। कौन है वो जो हाथ काट के डिस्प्ले कर रहा है? That we are... No, sir. What? रघु का मर्डर करने वाला कोई और, हाथों का डिस्प्ले करने वाला कोई और। How? How can you be so certain? रघु का मर्डर उसे चुप कराने के लिए किया गया, लेकिन हाथों को कोई मैसेज देने के लिए काटा गया। What? What is he saying? Sir. कटे हुए हाथों का मालिक राजा माफिया और मूर्ति दोनों की गाड़ी पर डिस्कार्ड हुआ है। दोनों को फॉलो करके किडनैप किया गया है। कटे हुए हाथों के नाखूनों में लकड़ियों के टुकड़े मिले, हाथों की कलाइयों में बांधा हुआ निशान है, तो वो सभी विक्टिम टॉर्चर किए गए हैं। वो सारे हाथ एक जैसे प्लास्टिक पेपर में कवर करके एक जैसे कॉटन बॉक्स में पैक किया गया है। उन हाथों को ज्यादा भीड़ के रास्तों में जान कर रखा गया है। काटे गए हाथों को पुलिस इजीली आइडेंटिफाई कर ले, इसीलिए अंगूठी और कड़ों को जान के छोड़ा गया है। सो ये सभी एक ही पैटर्न में वेल डिजाइंड है सर। लेकिन रघु का मर्डर जल्दबाजी में किया गया मर्डर है सर। सो व्हाट इज द नेक्स्ट लीड? रघु के साथ में ठहरा हुआ ब्रिटो ही इसका लीड है। ब्रिटो का इस केस से क्या संबंध है? ब्रिटो ने मरे हुए जीएस डॉक्टर पुरुषोत्तम को 60,000 रिश्वत दिया ऐसा कंप्लेन आया था सर। लेकिन ब्रिटो का भाई पिछले 10 साल से पुरुषोत्तम को सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई करता था। उनसे पूछा तो पता चला पुरुषोत्तम बहुत वफादार थे, तो फिर ब्रिटो को झूठ बोलने की क्या जरूरत? सिर्फ 60,000 रुपया ही पूरे परिवार की आत्महत्या का कारण है सर। सो व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? डॉक्टर पुरुषोत्तम के केस को रीओपन करना होगा। गो अहेड, आई गिव यू माय परमिशन। थैंक यू सर। You are doing a good job. Thank you, sir. डॉक्टर पुरुषोत्तम के सुसाइड केस को पहले हमने ही हमारे अखबार में कवर किया था। उस केस में साफ था कि डॉक्टर ने रिश्वत ली थी। आखिर उसने परिवार के साथ सुसाइड क्यों किया? क्या आपने कभी यह सवाल पूछा था? डॉक्टर की बीबी के ऊपर भी एक रिपोर्ट आई थी सर। कौन सी रिपोर्ट? जिस कॉलेज में वो काम करती थी वहाँ के सेल्फ हेल्पर को उन्होंने सेक्स के लिए बुलाया था, ऐसी रिपोर्ट है सर। उसके बारे में हमने पब्लिश ही नहीं किया था। इट में भी र्यूमर्स। हम नहीं चाहते थे कि उस लेडी की कोई बदनामी हो।
सर, सबस्टेशन में सभी एक्यूज की फाइल्स मांग रहे हैं। मूर्ति, राजमाफिया इन दोनों के घर के पास पुलिस मुफ्ती में वॉच कर रहे हैं सर। सर, डॉक्टर की वाइफ जिस कॉलेज में काम करती थी वहां जाकर हमने पूछताछ की थी। सब लोग उनके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे सर। लेडीज कॉलेज है, सेक्स स्कैंडल का लफड़ा हो सकता है, ऐसा बोलने पर उस मैडम को मैनेजमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन एक बात और है सर, वहाँ के प्यून मानिक नंद के बारे में कोई भी अच्छी बात नहीं बोल रहा है। वो वहाँ पढ़ने वाले छात्रों से पैसे उधार लेता था। उसे पूछताछ किया? हम लोग उसके घर पर गए थे सर। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या? पिछले महीने 9 नवंबर से वो गायब है सर। अजय, I can spend only half an hour with you. What? इतना कम समय क्यों? तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज फ्राइडे है, मैं भूल गई थी। और मेरे घर के सभी लोग मंदिर जा रहे हैं। सॉरी अजय, नेक्स्ट वीक पक्का चलते हैं। थोड़ी सी भी लेट हो जाती हूँ तो पापा पुलिस जैसे सवाल पूछने लगते हैं। ये लो, आइस टी पी लो। थैंक्स। दुर्गा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ पता नहीं, इसे पीने के बाद मुझे अजीब लग रहा है। हाफ एन आवर में घर जाने वाली थी ना? ओ गॉड, अजय गाड़ी रोको ना, मैं यहीं उतर जाती हूँ। बाय अजय। गुड बाय। ये लीजिए मैडम, उस फैमिली की जितनी फाइलें मिली सब ले आई हूँ। बहुत देर हो रही है मैडम, मैं जाऊँ क्या? आप इसे पढ़ के साहब को दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू मैडम।
मरे हुए डॉक्टर की एक सूजा नाम की बेटी थी सर, वो भी गायब हुई थी। कब हुआ? जब आपकी बहन गायब हुई थी उसी सितंबर के 6 तारीख को। बोलिए सर। डॉक्टर, पुरुषोत्तम के केस को आपने हैंडल किया था ना? ए, चाय बोलो, अब बोलिए। डॉक्टर, पुरुषोत्तम के केस को आपने हैंडल किया था? ओ फ्रॉड ना, उनके ऊपर कोई अपराध प्रूव नहीं हुआ। प्रूव होने के डर से ही तो जला दिया। परिवार के साथ में सुसाइड किया था। उसकी बीवी एक वैश्य थी। उन लड़कों के सुसाइड करने का क्या कारण? पता नहीं। मोटिव जाने बिना फाइल को कैसे क्लोज किया? और क्या मोटिव होगा, बाहर चेहरा नहीं दिखा सकते थे। वो एक फ्रॉड था, उसकी बीवी वैश्य थी, बेटी किसी के साथ भाग गई थी। बेटी गायब हो गई थी। वही तो, भागने वाली बताकर थोड़ी भागेगी। डांस क्लास के बाद रिक्शा पकड़ा लेकिन घर नहीं पहुंची। मैंने भी पूछताछ की थी, उसका छोटा भाई उसे डांस क्लास में छोड़ता और ले जाता था। उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भाग गई थी। लेकिन आस पड़ोस के लोग बोल रहे थे कि लड़की संस्कारी थी। ये क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। ए, चाय बोलकर कितनी देर हुई, जल्दी लेकर आओ। आज के जमाने में लड़कियों को सब ज्ञान होता है। अब जानते हैं कौन है सर। देखिए, आप सुसाइड केस के बारे में पूछताछ करने आए हैं, मुझे और भी काम है। कान खोल के सुन लीजिए, इस केस के बारे में सीबीसीआईडी को कमिश्नर का स्पेशल परमिशन मिला है। आप यहां बात करेंगे या मेरे ऑफिस में? बैठिए, बोलिए। बताइए, इसे पहचानते हैं? तरुण पांडे। तरुण पांडे के केस को आपने ही क्लोज किया था? क्या मतलब? डॉक्टर पुरुषोत्तम और तरुण पांडे के केस को आपने ही हैंडल किया था ना? हाँ। उसके बारे में बताइए। फरवरी महीने में मेरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आई थी। पुलिस वाले हो, पुलिस स्टेशन में आकर हंगामा कर रहे हो? सर, ये लड़कियों को देखता है ट्रायल रूम में जब वो कपड़ा चेंज करती है। हवलदार, पुलिस स्टेशन में आकर हंगामा करने के लिए सबका FIR दर्ज करो। हमारी क्या गलती है जो आप FIR करवा रहे हैं? गलती तो इसने की है। अगर इसने कोई गलती की है तो पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेन लिखवाओ। तुम लोग कौन होते हो सजा देने वाले? तुम लोगों को ये राइट किसने दिया? अगर इसने गलती की है तो कंप्लेन लिखवाओ। सजा देने के लिए कानून है ना? तुम लोग अपने आप को जज समझने लगे? बड़े आए मारने वाले। चलिए बैठिए यहाँ। ए, पानी लेकर आओ। अब बोलो क्या हुआ था, सब कुछ साफ साफ बताओ। सर, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। बात बता। सुबह मैं और मेरी वाइफ कपड़े खरीदने गए थे सर। हाँ। वहाँ पे ये आदमी ड्रेसिंग रूम के पीछे बैठ के औरतों को कपड़े बदलते हुए देख रहा था सर। किसे? तेरी बीवी को देख रहा था? नहीं सर। तो किसे देखा था? तेरी बीवी को देखा था? नहीं सर। तेरी बीवी को देखा था? नहीं सर। तेरी बीवी को? नहीं सर। तो फिर किसे देख रहा था? वो बाहर खड़े हैं, उनकी बीवी को। बाहर खड़े हैं, किसको देख रहा था रे? हाँ, किसको देखा था? मैंने कंप्लेन लिख ली थी, लेकिन तरुण पांडे अच्छा आदमी है, कोर्ट में साबित हो गया था। मैनेजर मेरा ही आदमी था, इसलिए मुझे यकीन हो गया था। और आपने आसानी से यकीन मान लिया? यह बात तो जज से जाकर पूछिए। मिस्टर तरुण पांडे, आपके कपड़े की दुकान में लड़कियों को कपड़े बदलते हुए आपने देखा? सॉरी, मैंने नहीं देखा। लेकिन आपने देखा, डॉक्टर फैमिली ने आपके ऊपर केस किया था, राइट? हाँ। आपको लॉन्ग साइट है, इसलिए बिना चश्मा के आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं। आपको जज ने केस से बरी कर दिया, करेक्ट? हाँ। आपका मैनेजर कितने साल से काम कर रहा था? नागपाल 8 साल से मेरे मिल में काम करता था। गांव वाला है, भरोसेमंद है, यही सोचकर मैंने उसे मैनेजर का काम सौंप दिया। वो ऐसा काम करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। कपड़े की दुकान में आपका ऑफिस
एग्जैक्टली ड्रेसिंग रूम के पीछे था ना। ऑफिस का बाथरूम वहां पर है। अक्सर आप ऑफिस में अकेले होते थे ना? मैं तो हफ्ते में दो ही बार जाता था, मैनेजर वहीं पर रहता था। और वो बाथरूम? नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया। उस दिन लफड़ा हुआ तो आपने क्या किया? मैं स्टोर रूम में आया था लुधियाना स्टार की फाइल्स चेक करने के लिए। अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। अचानक बाथरूम से मैनेजर भाग के आया और मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने पूछा क्या हुआ? लोग बहुत गुस्से में थे। मैं डर के मारे नीचे बैठा था। उन्हें लगा कि यह गंदा काम मैंने ही किया है। उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया और खींच कर पुलिस स्टेशन तक ले गए। सोसाइटी में जो मेरी इज्जत थी, मान मर्यादा था, वो सब कुछ एक ही दिन में उस डॉक्टर फैमिली ने। मेरा बेटा जिसे मैंने पैदा किया था, उसने मुझे चप्पल से मारा सर। महीने में 6 लाख रुपए मुनाफा देने वाली मेरी दुकान एक ही दिन में बंद करने लायक हो गई थी। आपके आंखों का डॉक्टर का नाम? याद नहीं है सर। मैनेजर नागपाल पुनल जेल में है सर, अगर उससे हम लोग कुछ पूछे तो। कोई फायदा नहीं, वो कहेगा मैंने देखा था। दृश्यम पिक्चर देखे हो क्या? ये कौन सी पिक्चर है सर? इंग्लिश पिक्चर है क्या? वो एसआई और तरुण पांडे अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि क्या हुआ था, लेकिन सच्चाई क्या है पता नहीं चल रहा। वो तो चलते चलते ही पता चलेगा। सी ऑल चॉप्ड बॉडीज। सुइसाइड है, ये कैसे प्रूव हुआ? घर का दरवाजा अंदर से बंद था, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में लिखा। नो, आपके ऑटोप्सी रिपोर्ट में कैसे प्रूव हुआ कि सुसाइड है? सी, दिस इज अ मेल एंड दिस इज फीमेल। इसके थाई बोन की ग्रोथ को देखते हुए ये 40 के ऊपर और इसका 50 के ऊपर बोल सकते हैं। दिस बिलोंग्स टू अ यंग मैन, मस्ट बी देयर सन। बट ये तो पूरा जला हुआ है। ये डॉक्टर पुरुषोत्तम का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसमें से एनलार्ज किया था। ये बॉडी का स्कल डायमेंशन है, ये दोनों मैच नहीं हुए। ये उनकी बीवी का है, उनके फोटोग्राफ से निकाला हुआ। ये स्कल डायमेंशन और ये भी मैच नहीं हुआ। ये उनका सन है, ये स्कल डायमेंशन और ये भी मैच नहीं हुआ। बट यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इज दिस। सुसाइड होने के पहले इस लड़के के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ था। इस बॉडी में भी उसके दाहिने पैर में
एग्जैक्ट स्पॉट पे वो फ्रैक्चर है। सो दैट्स ऑल स्टोरी। लेकिन जीवदास ये मर्डर क्यों नहीं हो सकता? नो इट कांट बी। सर में कोई घाव नहीं है, शरीर में और कोई फ्रैक्चर भी नहीं है। शायद तीनों को पॉइजन देकर मर्डर किया गया। यू नो जय कृष्णमूर्ति बहुत नॉवल पढ़ते हैं। आई थिंक यू टू रीड लॉट ऑफ फिक्शन। सूजा का एक्सीडेंट हुआ है, किसने फोन किया? कोई अनजान व्यक्ति था, उसके छोटे भाई के फोन से फोन किया था। मैंने उससे कहा कि घर पे फोन करके चेक कर ले, और सूजा को घर भेजने के लिए उसकी मम्मी ने मुझे फोन किया कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं, आप मेरी बेटी को मेरे घर भेज दीजिए, ऐसा उसकी मम्मी ने कहा। सूजा के बैठते ही ऑटो निकल गया था क्या? आई रिमेम्बर, वो ऑटो स्टार्ट कर रहा था लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था, और दूसरा आदमी ऑटो के पीछे जाके ऑटो रिपेयर कर रहा था सर। फिर जब उसने ऑटो स्टार्ट किया तो ऑटो स्टार्ट हो गया। इसका मतलब दो ड्राइवर थे? हाँ सर। आपने पुलिस को बताया था क्या? पुलिस को मैंने सब बताया था। क्या रे, समझ में नहीं आता, कितनी बार बोलूं, परेशान कर दिया है। खींच के मारूंगा एक हाथ, चुपचाप अंदर जा, ज्यादा बोलेगी तो ब्रोथल केस में अंदर करवा दूंगा, चल जा। एक आदमी ऑटो के पीछे बैठ के कुछ कर रहा था सर। ड्राइवर सीट पे एक आदमी बैठा था सर, मैंने देखा था सर। थैंक्स बेटी, मेनी मेनी थैंक्स। किरण, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। चारू बहन मिल जाएगी ना सर? अगर पता चल जाए कि डॉक्टर की बेटी का क्या हुआ तो चारू का भी पता चल जाएगा। ये आप कैसे कह रहे हो सर? वो लड़की गायब हुई थी और चारू भी गायब हुई थी, उसका संबंध है। डांस क्लास खत्म करके घर जाने के लिए जहाँ रुकी थी वो यहाँ से नजदीक है। मेरा कहना उसने माना ही नहीं, बार बार पूछ के मेरे मुंह से ही उसने बहुत कुछ बुलवा लिया। आपको शांत रहना चाहिए था ना। अरे कैसे शांत रहता, मेरे सामने बैठकर मुझे कैसे देख रहा था पता है? ऐसे देख रहा था, बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। अकेले नहीं देख रहा था, साथ में दो लोग और भी थे, उसमें एक लड़की भी थी मस्त आलू की जैसी। ठीक है, वो केस बंद हो गया ना, अब क्यों चिंता कर रहे हो? बंद कर दिए? वो जेके बाज की तरह है, उसकी नजर बहुत तेज है, उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। ए त्रिसंग, अरे मेरा दिल धक धक कर रहा है, वो जय कृष्णा वापस आएगा तो मैं सब कुछ पक दूंगा। पता चला ना, अभी पता चला ना, तो चुपचाप बैठना चाहिए ना, ड्रेसिंग रूम में छेद करके नहीं देखना चाहिए था। शरीफ, इकबाल सर, मैं जब तक ना कहूँ तुम लोग चुप रहना, कुछ दिनों के लिए इस शो को बंद कर देते हैं। भाई पहले से ही एक महीने से कोई शो नहीं है, अपने बिजनेस का क्या है, अच्छा ही तो चल रहा है भाई। सुन बेवकूफ, नागमूर्ति राज माफिया ये लोग रहेंगे तो ही शो चलेगा, और वो लोग ही मिसिंग है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई तो गेम खेल रहा है। गेम नहीं है रे, कोई ना कोई तो शातिर है जो उंगली कर रहा है। ए त्रिसंग,
अरे कुछ भी करके मुझे बचा ले यार, मैं काशी रामेश्वर कहीं भी भाग जाऊंगा, मुझे मरने से बहुत डर लगता है भाई। ले आए बुड्ढे, चल ठीक है जा। Thank you.
वो कौन है? मेरा बेटा ही है सर। कहाँ है तुम्हारा बेटा? उसको हम घर में नहीं घुसने देते। उसके नाम पे 2-3 केस ऐसा सुना है। घर में जवान बेटी है, पुलिस घर आए तो अच्छा नहीं लगता सर। वो भी 1 साल से यहाँ नहीं आता। इस बार क्या किया उसने? पापा, तू अंदर जा बेटी। तुम्हारे बेटे का कोई दोस्त है क्या? पता नहीं साहब। उसके पास कोई बाइक है क्या? काली यमहा रखा है। भाई अब हम लोग क्या करेंगे? और क्या करेंगे, हम तीनों जाकर सरेंडर कर देंगे।
वरना खुद को शूट कर लेंगे। ये ले, शूट कर ले। भाई, जेके को मारने के चक्कर में अपने आदमी पुलिस में फंस गए। शरीफ के लड़के के घर में भी रेड डाली और शरीफ गायब है। वो शरीफ हमारे हाथ लग गया ना तो उसकी हवा निकाल देंगे। ए, मुंह बंद कर अपना। क्यों मुंह बंद रखूं? उस जेके ने सूंघ लिया ना। हमने जो भी किया था वो सब जान गया है। पता नहीं कब हमारे गले में फांसी का फंदा पड़ जाए। हमारे शो की वो सारी लड़कियां क्या कर रही होंगी मुझे जानना है। वो सुजा का तुम पता लगाओ, उसके बाद। और उस जेके को देख लेंगे। क्लब के टोटल मेंबर्स 221 है सर। पूरा 8 गेम का डिवीजन है। फोकस, बॉलिंग, स्विमिंग, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, फुटबॉल। टेनिस का अलग डिवीजन है। यस सर। कितने लोग हैं इसमें? 23 लोग हैं सर। इमीडिएटली उन सब का एड्रेस, फोन नंबर सब मुझे चाहिए। श्योर सर, आई विल गेट इट।
सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। Just one question, sir. Where is JK? Sir, इस बार हाथ नहीं मिले, सिर मिला है. Do you have anything to say? Any theory for this? Yes, sir. सिर को काट के पब्लिक प्लेस में नहीं रखा, पुलिस स्टेशन के सामने रखा है. That's obvious, man. मैंने खुद देखा है. उस सर की आंखों को देखा है कि आपने सिर पलके कटी हुई है और आंखें खुली की खुली हैं. Better make it clear. इस स्टेशन में बहुत सारे कचरे हैं सर. Give me a straightforward answer, man. किसी को तो ढूंढ रहा है सर. कोई तो है उसकी नजर में. Hey, कोई सिगरेट लेकर आओ. आप प्लीज मेरी बात सुनिए सर. तुम पागल हो क्या? हमारी पावर सीबीसीआईडी में ही है, लॉ एंड ऑर्डर में नहीं. कमिश्नर से परमिशन ले लीजिए सर. बट हाउ? कैसे लूं परमिशन? ये कहूं कि आपके डिपार्टमेंट में काम करने वाले दो इंस्पेक्टर्स के सेलफोन का रिकॉर्ड चाहिए हमें. कमिश्नर मुंह पे थूक देगा. ऊपर से सीएम पहले से ही काफी परेशानी में है. अगर हमने डिपार्टमेंट की गलती बताई तो सर. जेके, लीव द टॉपिक, आस्क समथिंग एल्स. तो एसी और इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लेते हैं. व्हाट? व्हाट डू यू मीन? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? क्या 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 अरेस्ट करेंगे सर? दूसरी बार कटा हुआ हाथ एसी त्रिसंग के पास के पार्क में ही रखे गए थे. इससे पहले कटा हुआ हाथ सब कुछ एसी के जरिस्डिक्शन टी नगर, मामलम, अशोक नगर, केके नगर सब जगह रखे गए. डॉक्टर पुरुषोत्तम की बेटी के गायब होने का रिपोर्ट भी इसी स्टेशन में किया गया है. इस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने ही पुरुषोत्तम के केस को हैंडल किया था सर. डॉक्टर पुरुषोत्तम की फैमिली ने सुसाइड किया था, उसी स्टेशन में केस क्लोज किया गया था. हर चीज इसी स्टेशन से कनेक्टेड है. इसीलिए क्या? वन मोर पॉइंट सर. उस दिन कमिश्नर का प्रेस मीट खत्म होते हैं ट्रिप्लिकेन में, राजा माफिया के बाइक के बारे में न्यूज मिलने के बाद ही हमारे साथ आने वाले 8 लोगों में इसी त्रिसंग भी थे. अरे कोई सिगरेट लेकर नहीं आया अभी तक. सॉरी जेके, तुम जो कह रहे हो वो मैं नहीं कर सकता, कुछ और बोलो. मुझे वेपन परमिट कराइए सर. क्या कहा तुमने? इस केस के लिए मुझे गन चाहिए सर. लेटर दीजिए.
मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है प्लीज। मैंने क्या गलती की है, क्यों मुझे बंद करके रखा है? फ्रेंड के घर से सीधे अपने घर जाना चाहिए था ना। ऑटो में कौन है, किस लिए है, क्या जरूरत थी तुझे पूछने की, इसी वजह से तुझे उठाना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उस लड़की को किसने किडनैप किया? वही मेरा काम है। क्या किया उस लड़की का? तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना, तो परेशान क्यों है? और कब तक मुझे तुम ऐसे बंद करके रखोगे? वही तो पता नहीं है। मैं तुझे मार भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। शायद तुझे पता नहीं, तू भी एक ना एक दिन मेरे काम जरूर आएगी। मेरे भैया तुम्हें एक दिन पकड़ लेंगे। मैं भी एक पुलिस वाला हूँ और एक पुलिस वाले से कभी नहीं हारूंगा। हाँ, कल सुबह आ जाना, जाओ। ठीक है सर। कौन है वहां? ए, कौन हो तुम? कौन है तू, यहाँ क्यों बैठा है? ए, क्या चाहिए तुझे, यहाँ पर क्यों बैठा है? क्या है ये? सर वेट। बैठो, मना किया था ना तुम्हें? सॉरी सर।
तुम ठीक हो? तुम ठीक तो? उठो, उठो, आंखें खोलो। Hey baby, अभी तक तुम पढ़ रही हो, सो जाओ। कहाँ जा रहे हैं डैडी? डैडी का एक छोटा सा काम है, जल्दी करके आता हूँ। डॉक्टर वसीम इज हियर। मैं अशोक नगर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा वेरिफिकेशन है, आप और डॉक्टर पुरुषोत्तम दोनों साथ में वेल्लूर में MBBS की पढ़ाई की थी, ये रिपोर्ट में है। Yeah, that's right. आपके साथ में पढ़ने वाला चेन्नई में कोई और है क्या? हाँ, मेरे साथ पढ़ने वाला, हाँ एक आदमी है, लेकिन उसने कभी डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं की। क्या नाम है उसका? थैंक यू सो मच डॉक्टर। वैन में दो लोग थे। मैंने भी देखा था, उसमें एक लेडी थी सर। क्या? उसे टकला किया हुआ था। सर, इसे तोड़ा गया है। यहाँ पे सबसे कम उम्र की डेड बॉडी यही है सर। अभी तक इसे किसी ने क्लेम किया? कोई आया नहीं सर। इसमें बिना नाम के 14 साल के लड़के की बॉडी है, वो कहाँ है? क्या नंबर है सर? 37। यहाँ ये सर, यही है सर 37। वो पोस्टर हो गया सर, 5-6 महीने हो गया ना सर। अनाथ लाश है सर, गले में फांसी लगा लिया था। बॉडी को अभी तक डिस्पोज नहीं किया? केस खत्म नहीं हुआ है ना सर, अगले महीने सारी बॉडी निकाल के काले सर शमशान में गाड़ देंगे सर।
आराम से खोलो सर, कुछ नहीं होगा, खोलिए सर। पीटर, इसमें बॉडी नहीं है। क्या? उसी में तो थी सर। इसमें उस लड़के की बॉडी थी, कहां गई? पता नहीं सर। नालायक, पता नहीं कौन था, ऐसा स्प्रे मारा कि अभी तक चक्कर आ रहा है। कौन है पता चल गया है। कौन है? डॉक्टर पुरुषोत्तम की फैमिली जिंदा है। अभी कहां जा रहे हैं? तरुण पांडे के घर पे। आज शनिवार है, वो घर पर नहीं होगा। ए, हम लोग कौन है तू जानता है ना? जानता हूं। जो कहा है अगर सच नहीं हुआ तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। अरे बस करना, तेरे वीडियो में हमारी शक्लें आ गई हैं। हाँ जरूर है। तुझे क्या चाहिए? टिकट खरीदने का पैसा। 5 लाख। 7 लोगों को मिला के 37 लाख। अरे ये क्या क्या हुआ यार? दरवाजा बंद कर। कौन है? दरवाजा दरवाजे कौन? अरे कूट रहा है। अरे अरे क्या कर रहा है? कौन है? कूट रहा है। दरवाजा बंद कर। अंकल, भाग जा। अंकल, अंकल उठो, अंकल। निशांत, अंकल, अंकल उठो, उठो, अंकल उठो, अंकल, अंकल उठो, उठो। आ जा निशांत, निकल जाओ, जल्दी आ। गाड़ी रोको।
इसे लेकर आओ। Leave it, Jivdas. Leave it, Jivdas. Leave it, Jivdas. Leave it. I'm not leaving. JK, where is the kid? Where is the kid? हाँ वो है Jivdas है। Take him to the safe place. वो है। निशांत को ठीक से लेकर। किरण सर, इसे अपने ऑफिस लेकर जाओ। अपने डिपार्टमेंट के अलावा किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। Okay sir. Jivdas. Help me. Help me. जेके, उसको बचा लो, उस बच्चे को बचा लो यार। डोंट वरी, वो बच्चा सेफ है। नो, ही विल डाई। सब खत्म होने के बाद He will commit suicide. क्या मतलब है इसका? उन लोगों की वजह से, लीड करने का काम खत्म होते ही। जीवदास, अब बातें मत करिए प्लीज। नहीं जेके, मुझे ही बात करनी है। वो फैमिली कुछ नहीं कहेगी, उस फैमिली के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जीवदास, जीवदास, कांस्टेबल, एक ऑटो बुलाओ जल्दी। किस लिए? हॉस्पिटल जाने के लिए। क्या जीके, आई एम ऑलरेडी डाइंग। एक बुलेट मेरे पेरिस्कुलर शिफ्ट में घुस गया है, इट विल क्रिएट टेम्पोनेड, और एक बुलेट मेरी डिसेंडिंग कॉलम को ब्लो कर दिया है। कांट स्मेल माय शिट एंड माय ब्लड ग्रुप इज ए नेगेटिव, वेरी रेयर, मिलेगा नहीं। डोंट ट्राई टू सेव मी यार। जेके, उस परिवार के लिए मैंने हेल्प किया था। जानता हूं, इट्स वेरी लेट। नो Jivdas, बड़ी मेहरबानी हुई जेके, मेरे बच्चे को मरे बिना 4 साल देखने के लिए। मेरे बच्चे को दफनाने के वक्त पुरुषोत्तम सूजा को मेरे हाथों में देके तेरी बेटी है बोला था। जेके, गायब हुई तेरी बहन मिलेगी तो तू कितना खुश होगा, है ना? हैं? हमारा बच्चा सूजा वापस लौटने के वक्त हम लोग खुश नहीं हो पाए, हम लोग खुश नहीं हो पाए थे। सूजा को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। हम हर मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे इसके बाद मिलेगी कि नहीं। हर वक्त हम बस यही सब सोचते रहते थे। कौन है? ये डॉक्टर का घर है। हाँ? मैं सवारी उतार कर घर जा रहा था सर। डांस क्लास के बाहर एक लड़की खड़ी थी, मैंने पूछा कहाँ जाना क्या? है सूजा बेटी, क्या बेटी क्या हुआ? हे भगवान, Thank you.
मरी हुई लड़कियों के शरीर में हाथ रखकर रेप हुआ है कि नहीं ये देखा करता था ये हाथ। जिंदा मासूम बच्ची, मेरी बच्ची को छूकर देखा। उसकी मां ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तुमने जिस बच्ची को पैदा किया था अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, उसका रेप हुआ है। रो रो कर सबकी आंखें सूज गई थीं। अरे क्या हुआ? अरे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, सबका दिमाग सुन्न हो गया था। भाई मेरी एक मदद करोगे क्या? हम जीना नहीं चाहते। क्या बहन, हमें मार दो, हम और नहीं जीना चाहते। हमारी बच्ची जहाँ पर गई है हमें भी वहीं भेज दो भाई, अब और नहीं सहा जाता है भाई, हमें मार दो भाई, हमारी इतनी मदद कर दो भाई, हमें मुक्ति दे दो। पुरुष, पुरुष, what are you doing? What are you doing? तूने तो कहा था मरना है। कहा था, लेकिन हमारी बच्ची को मारने वाले को साथ लेकर मरेंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए भाई, हमारी मदद करोगे भाई? हम उन सबको मार देंगे भाई। हाँ भाई, हमारी मदद करोगे ना भाई? बोलो, हम उन सबको मार देंगे। करने के लिए मदद, मार देंगे उन्हें भाई। किसी को मारने के लिए मदद? मुझे न्याय क्या होता है तब जाकर पता चला था। मॉर्चुरी से मैं 3 लाशें लेकर आया था। Thank you.
खूबसूरत घर में जीने वाले उस परिवार ने उस गंदी सी जगह पर अपनी बच्ची को दफना दिया। दफनाने के बाद वो लोग वहीं पर रुके रहे। वॉयलेंस क्या है इसका मतलब भी नहीं समझने वाला वो परिवार अब हत्या करने के लिए तैयार हो गया था। इंसान के लिए शिकार।
Your full name, sir? Mahesh. Mahesh Muthuswamy. Happy journey, sir. Thanks.